गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पोएम पढ़ी थी, ए लेक्चर अपॉन द शैडो, जिसके बारे में हमने सारी ट्रांसलेशन कर ली। मेन इसकी विषय वस्तु क्या है वो भी हमने क्लियर कर लिया। तो आज के हमारे इस वीडियो में इस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम 15 टू 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, व्हाट डज शैडो मीन इन दिस पोएम। आंसर, इन दिस पोएम शैडो रिफर्स टू द ड्वेलिटी इन द लवर्स पर्सनैलिटी। यानी इसमें जो शैडो है वो जो दर्शाई गई है उसका अर्थ है कि लवर्स की पर्सनैलिटी के बीच जो ड्वेलिटी आ जाती है, जो दोहरापन आ जाता है। देयर फ्लोज, उनकी कुछ गलतियाँ। देयर सीक्रेट्स, उनके रहस्य। देयर डिस्ट्रस्ट ऑफ ईच अदर, या एक दूसरे के प्रति उनका अविश्वास, वो होती है शेडोज। सेकेंड क्वेश्चन है, वी डू दोज शेडोज ट्रेड, वॉट डज दिस लाइन सिम्बोलाइज। तो आंसर हो जाएगा, वी डू दोज शेडोज ट्रेड, दिस लाइन सिम्बोलाइजेज दैट लवर्स फाइनली ओवरकम दैट डिस्ट्रस्ट। यानी इस लाइन का अर्थ क्या हो गया कि जो प्रेमी है या प्रेमियों का जो जोड़ा है, उन्होंने उनके बीच जो डिस्ट्रस्ट था, जो अविश्वास था, उस अविश्वास को जीत लिया है। यानी अब इन दोनों के बीच विश्वास है। मर्ज देयर आइडेंटिटीज एंड बिकम वन, यानी एक दूसरे की पहचान को इन्होंने एक दूसरे में मिला दिया है और दो से एक हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, What do you understand by disguise? तो disguise का हिंदी में अर्थ होता है छुपाना, दिखावा करना। तो आंसर इसका इस पोएम के आधार पर क्या हो जाएगा, देखिए, disguise means false behavior। disguise का अर्थ होता है झूठा व्यवहार करना। secrets and distrust, यानी वो रहस्य या वो अविश्वास विच कैरेक्टराइज लव इन इट्स इनिशियल स्टेजेस बिटवीन टू लवर्स। यानी जो दो प्रेमियों की जो लव की इनिशियल स्टेज होती है, आरंभिक जो अवस्था होती है, उस अवस्था में मेन देखा जाता है। यानी शुरू शुरू में वो एक दूसरे के प्रति झूठा दिखावा या झूठा व्यवहार ही करते हैं और एक दूसरे से बातें छुपाते हैं। तो वो जो एक कंडीशन रहती है लवर्स के बीच में, वो होती है डिस्गाइस। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ विल द शेडोज ब्लाइंड द आइज। आंसर हो जाएगा, शेडोज मीन डिफरेंसेस बिटवीन द लवर्स। शेडोज का अर्थ क्या है यहाँ पर, लवर्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर हैं। व्हेन दे अपीयर दे डू नॉट लेट द लवर्स सी देयर लव फॉर ईच अदर। यानी जब दोनों लवर्स सामने आते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके लव को, यानी उनको मिलते हुए, कोई भी किसी के भी द्वारा देखा जाए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द मॉर्निंग शेडोज वियर अवे, व्हाट डज मॉर्निंग शेडोज रिफर टू। तो सुबह की परछाइयाँ, ये किस बात की ओर संकेत करती है। आंसर हो जाएगा, मॉर्निंग शेडोज रिफर टू द डिफरेंसेस एंड डिस्ट्रस्ट एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द ग्रोइंग लव बिटवीन लवर्स। यानी लवर्स के बीच जो बढ़ते हुए लव की इनिशियल स्टेज होती है, उस स्टेज में उन दोनों के बीच जो भी डिफरेंसेस होते हैं या जो भी डिस्ट्रस्ट होता है, वो यहाँ पर मॉर्निंग शेडोज के रूप में रिफर किया गया है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं 50 वर्ड्स वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू द शेडोज बिफोर नून डिफर फ्रॉम द शेडोज ऑफ आफ्टरनून। यानी ये आपके सीनियर सेकेंडरी 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दोपहर से पूर्व की और दोपहर के बाद की जो परछाइयाँ हैं वो एक दूसरे से अलग कैसे होती है। तो आंसर हो जाएगा, द शेडोज बिफोर नून कंस्टेंटली ग्रो शॉर्टर। यानी नून से पहले की जो शेडोज रहती है वो लगातार छोटी होती जाती है। एट द टाइम ऑफ नून, लेकिन जब नून का समय आता है, दे वैनिश ऑल टुगेदर, तो वो पूरी तरह से वैनिश हो जाती है। देन इन द आफ्टरनून, दोपहर में, दे कंस्टेंटली ग्रो लॉन्गर, यानी वो धीरे धीरे
बढ़ती जाती है. द शेडोज़ बिफोर नून रिप्रेजेंट द लवर एंड द बी लव्ड कमिंग क्लोजर. यानी नून से पहले की जो शेडोज़ है वो दिखाती है कि लवर और उसकी जो बी लव्ड है वो करीब आ रहे हैं. एट नून दे रीच द स्टेज ऑफ एब्सोल्यूट लव. और नून के समय में वो एक पूर्ण प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं. द शेडोज़ आफ्टर नून रिप्रेजेंट देयर मूविंग अपार्ट. लेकिन नून के बाद की जो परछाइयाँ होती है वो दर्शाती है कि वो दोनों अलग हो गए हैं. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए. लव इज डिस्क्राइब्ड एज लाइट. वॉट मेक्स द पोएट टॉक अबाउट शेडोज. यानी प्रेम का प्रकाश के रूप में वर्णन किया गया है, कवि परछाइयों के बारे में क्यों बात करता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा, शेडोज आर द सिंबल ऑफ डार्कनेस एंड ग्लूम. यानी शेडोज क्या होती है? अंधेरे और उदासी की सिंबल होती है. दो लव इज़ ए कंस्टेंट लाइट. लेकिन प्रेम एक निरंतर स्थायी रहने वाला प्रकाश है. इट इज़ ऑलवेज प्रॉन टू बी ओवरकम बाई शेडोज. यानी ये हमेशा शेडोज से हमें बाहर निकालता है. इफ़ द लवर्स कांट कीप देयर लव इन इट्स एब्सोल्यूट स्टेट. अगर प्रेमी और प्रेमिका अपने प्रेम को एक एब्सोल्यूट स्टेट तक नहीं रख सकते हैं, इट कम्स टू एन एंड, तो उनका प्रेम समाप्त हो जाता है. द लाइट ऑफ देयर लव हैविंग गॉन. तो उनके प्रेम का प्रकाश भी चला जाता है. दे फॉल इन टू द डार्क्स ऑफ ग्लूम. और फिर वो उदासी भरे अंधेरे में डूब जाते हैं या उसमें घिर जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन देखिए. अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रू लव. यानी ट्रू लव का नेचर किस प्रकार का होता है? तो आंसर हो जाएगा, ट्रू लव इज़ बियॉन्ड टाइम लोकेशन एंड सरकमस्टेंसेस. यानी जो सच्चा लव होता है वो इन तीनों चीज़ों से परे होता है. ट्रू लव हैज़ नो डिग्रीज. यानी सच्चे प्रेम की कोई डिग्री नहीं होती. इट डज़ नॉट चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम. समय के अनुसार वो बदलता नहीं है. इट नेवर कम्स टू एन एंड. सच्चे प्रेम का कभी अंत नहीं होता है. इन ट्रू लव द लवर एंड द बी लव्ड आर होली सिंसियर टू ईच अदर. सच्चे प्रेम में लवर और उसकी प्रेमिका एक दूसरे के प्रति सिंसियर रहते हैं. ट्रू लव डज नॉट टॉलरेट एनी डिफरेंसेस बिटवीन द लवर एंड द बी लव. यानी सच्चा प्रेम लवर और उसकी प्रेमिका के बीच किसी भी प्रकार के डिफरेंस को टॉलरेट नहीं करता है, तो वही सच्चा प्रेम होता है. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेस्ट वार्डली डिक्लाइन. एक वर्ड आया था हमारी वेस्ट वार्डली डिक्लाइन, ठीक है, पश्चिम की तरफ अस्त हो जाना, डूब जाना, पश्चिमोत्तर अवनति भी जिसे हम कह सकते हैं. तो इस चीज़ से आप क्या समझते हैं, क्या है ये? तो इसका आंसर देखिए, वेस्ट वार्डली डिक्लाइन मीन्स द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द सन आफ्टर नून टूवर्ड्स द वेस्ट. यानी इसका अर्थ है कि सन का दोपहर के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होना पश्चिम की तरफ विथ रेफरेंस टू लव. अगर लव के रेफरेंस में हम इस चीज़ को देखें, इट मीन्स दैट लव बिटवीन द टू लवर्स बिगिन्स टू डिक्रीज ग्रेजुअली. यानी लवर्स के बीच का जो प्रेम है वो भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. इट लॉसेज इट्स ऑर्डर आफ्टर इट हैज़ अटेंड इट्स हाइएस्ट पॉइंट. यानी हाइएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो एक दूसरे के बीच की जो समझ है, जो प्रेम है, उसको खोता जा रहा है. देन लवर्स बिगिन टू बिहेव फाल्सली एंड कीप सीक्रेट्स. और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो लवर्स क्या करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के प्रति झूठा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से बातें छुपाने लगते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस. ये भी मोस्ट हैं एग्ज़ाम के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एक्सप्लेन. इस कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा, द पोएम ए लेक्चर अपॉन द शेडो इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉन डन्स फिलोसॉफी ऑफ लव. यानी जॉन डन की जो लव को लेकर फिलोसॉफी है उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है.
He believes that initially lovers have their secrets and distrust of each other. यानी इसका मानना है कि शुरुआत में जो lovers होते हैं वो एक दूसरे से secret रखते हैं, but those are reduced as the love blossoms and flourishes. लेकिन जैसे जैसे लव बढ़ता है, फलता फूलता है, वैसे वैसे ये चीज़ें कम होने लगती है. As the time passes, the secrets and distrust begin to shroud the idealistic vision of the lovers. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ये सारी चीज़ें लवर्स से दूर होने लगती है. Their honesty and loyalty get weakened. यानी उनकी ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति निष्ठा की जो भावना है वो कमज़ोर पड़ती जाती है. दे बिकम डिसइल्यूजन एंड डिसएन्चेंटेड विथ ईच अदर. यानी वो एक दूसरे को लेकर भ्रम करने लग जाते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण उनका समाप्त हो जाता है. व्हेन देयर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट फुलफिल्ड. जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती एज़ पर देयर इमेजिनेशन, जैसा उन्होंने सोचा था या जैसी उन्होंने कल्पना की थी उसके आधार पर. द पॉइट बिलीव्स दैट. तो पॉइट का मानना है लव शुड बी कंस्टेंट, कि प्रेम स्थायी होना चाहिए. ट्रू लव नाइदर डिमिनिशेस नॉर एंड्स, इट इज़ इमॉर्टल. पॉइट का मानना है कि जो सच्चा लव होता है वो ना तो कम होता है ना कभी समाप्त होता है, ये इमॉर्टल होता है यानी हमेशा अमर रहता है. अब आता है क्रिटिकल अप्रिशिएट द पॉइंट. कविता का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है हमें, तो देखिए वो क्या हो जाएगा. द पोएम ए लेक्चर अपॉन द शेडो इज वन ऑफ द मेटाफिजिकल पोएम्स कंपोज्ड बाय जॉन डन. इट्स थीम इज लव बिटवीन टू लवर्स. थ्रू आउट द पोएम द पोएट यूजेज द फिगरेटिव लैंग्वेज ऑफ मेटाफर्स ऑफ शेडोज, शेडोज ऑफ मॉर्निंग नून. बाय द यूज ऑफ सच लैंग्वेज द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे द आइडिया दैट डिफरेंसेज इन लवर्स इनिशियल स्टेज कीप डिक्रीजिंग. यानी पोइट का ये मानना है या वो ये चाहता है कि जैसे जैसे लव की इनिशियल स्टेज बनती है वैसे वैसे उनके बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं वो कम हो जाने चाहिए. देन दे टोटली वैनिश. फिर वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाते हैं. आफ्टर दिस द डिफरेंसेस इन लव बिगिन टू ग्रो. लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, यही डिफरेंसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं. एंड लवर्स मूव अपार्ट. और लवर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. इन द एंड द पोएट सजेस्ट दैट दो द इनफैचुएशन एग्जॉस्ट इट्स सेल्फ ट्रू लव कीप्स इट्स लस्टर अलाइव. यानी पोएट का ये मानना है कि चाहे कैसी भी गलत फहमियाँ एक दूसरे के बीच आ जाए लेकिन जो सच्चा प्रेम रहता है उसकी चमक हमेशा जीवित रहती है. टू सफारी ए लेक्चर अपॉन द शेडो जॉन डन. यानी यही चीज़ इसके अंदर जॉन डन ने बताई है जो ये पोएम है ए लेक्चर अपॉन द शेड. तो ये थे हमारे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर. जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.